हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम हमारी बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल वीडियो में बात करने वाले हैं बीटीएस के मोस्ट फेमस मेंबर वी के बारे में, जिसमें हम देखेंगे उनकी एज, गर्लफ्रेंड, कार कलेक्शन, हाउस, फैमिली, इनकम और नेटवर्थ के बारे में, और साथ ही बात करेंगे उनके स्ट्रगलिंग जर्नी के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखना एंड वीडियो को कर देना लाइक। वीडियो स्टार्ट करते हैं वी के रियल नेम से। तो उनका रियल नेम है किम तयुंग, साथ ही उनका निक नेम है वी, ताई ताई, सी जी वी, ब्लैक ताई। वी प्रोफेशन से सॉन्ग राइटर, सिंगर, एक्टर, डांसर और प्रोड्यूसर हैं। वी का जन्म 30 दिसंबर 1995 को हुआ था। अभी 2023 में वो 27 साल के हो जाएंगे। वी का जन्म सियो डिस्ट्रिक्ट साउथ कोरिया में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग एलिमेंट्री स्कूल होंगिंग डोन सियोल से की थी। साथ ही उन्होंने अपना कॉलेज ग्लोबल साइबर यूनिवर्सिटी से पूरा किया। आपको बता दें कि वी ने ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया में ग्रेजुएट किया है। अब बात कर लेते हैं उनके हॉबीज के बारे में। तो उनको फोटोग्राफी एंड पेंटिंग करना बहुत पसंद है। अब बात कर लेते हैं उनके करियर के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वी के पिता एक फार्मर थे, जिसके वजह से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से उनके पिता ने वी को उनके ग्रैंड मदर के पास भेज दिया था, जहां पे वी ने पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग की भी ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया था। वी जब अपने कॉलेज डेज में थे, तब ही देगू शहर में चल रही बिग हिट इंटरटेनमेंट नाम की कंपनी के ऑडिशन के बारे में वी को, तो भी ने अपना लक आजमाने के लिए ऑडिशन देने के लिए चले गए और वी को सिलेक्ट करके वहां का ट्रेनर बना दिया गया, जिसके बाद 2013 में कई स्ट्रगल के बाद वी बीटीएस के मेंबर बन गए और मेन सिंह कॉन्डॉन, होल्ड मी क्लोज और फन बॉय सॉन्ग से अपना डेब्यू किया। बीटीएस का मेंबर बनने के बाद वी ने एज अ प्रोड्यूसर कई सॉन्ग में काम किया और एज अ एक्टर कई मूवीज में भी काम किया। 2019 में वी ने सबसे पहला अपना सोलो ट्रैक सिंड्री रिलीज किया। इस सॉन्ग ने सबसे पहला साउंड क्लाउड के 100 मिलियन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिसके बाद भी बीटीएस के सबसे फेमस मेंबर बन गए। भी साउथ कोरिया के हैंडसम बॉय में से एक हैं। आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 5 सालों में वी को साउथ कोरिया के अंदर गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। वी के इंस्टाग्राम अकाउंट पे अभी 57.7 मिलियन फॉलोवर्स हो गए हैं। आपको वी कैसे लगते हैं, हमें भी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप भी वी के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वी के फादर का नाम मिस्टर तयुंग है और उनकी मदर का नाम मिसेस तयुंग है। इसी के साथ उनका एक भाई और एक बहन भी है। बात कर लेते हैं उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वी करेंटली सिंगल हैं, मगर रिमर्स के मानने तो चाय युंग जुंग को उनकी गर्लफ्रेंड बताया जाता है। अब बात कर लेते हैं उनके कार कलेक्शन और इनकम के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वी किसी भी सॉन्ग में एज अ सिंगल काम करने के 30 से 40 करोड़ चार्ज करते हैं और साथ ही किसी शो में एज अ डांसर काम करने के 50 से 60 करोड़ चार्ज करते हैं। बीटीएस के पर शो के लिए 50 से 55 करोड़ चार्ज करते हैं। किसी भी ब्रांड प्रमोशन के लिए 20 से 25 करोड़ चार्ज करते हैं और उनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 1500 करोड़ है। बात कर लेते हैं उनके कार कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वी के पास में एक ही कार है, जिसका नाम है जेनेसिस GV80 SUV, जिसकी कीमत है 2.6 करोड़ रुपए। बात कर लेते हैं उनके हाउस के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वी अपनी फैमिली के साथ लेविस अपार्टमेंट गैंगनम में रहते हैं।
और उनके ये घर की कीमत लगभग 22 करोड़ रुपया है। तो दोस्तों, ये थी वी की लाइफस्टाइल वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।